हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल। मैं परमिंदर आपके चैनल पी एस प्रॉपर्टीज़ में आज फिर एक नई 4 BHK इंडिपेंडेंट कोठी विद बाहर से स्टेयर्स के साथ हम लेके आए हैं। तो आप मेरे एलिवेशन देखें, बैक साइड पे थोड़ा हमने यूनिक एलिवेशन के साथ हम 4 BHK कोठी लेके आए हैं। अगर लोकेशन की बात करूँ तो सेक्टर 123 बिल्कुल एयरपोर्ट रोड से हार्डली 200 मीटर की डिस्टेंस पर ये कोठी रहने वाली है, बिल्कुल लास्ट पर हमारी कोठी रहने वाली है। अगर पार्किंग की बात करूं तो इस साइड भी हमारी गाड़ी पार्क हो जाएगी, बाहर भी हो जाएगी और एक गाड़ी हमारी अंदर भी लग जाएगी। तीन गाड़ियों की हमें पास पार्किंग की स्पेस मिल रही है। उसके अलावा अगर मैं स्पेस की बात करूं तो यहाँ पे देखें, हमें जो बड़ी गाड़ी है हमारी, लग्जरी है, सेडान है, वो आराम से हमारी पार्क हो जाएगी। तो हमें अच्छी खासी स्पेस मिल रही है। आप इस साइड देखें, हमें अच्छी खासी स्पेस घर में देखने को मिल रही है। उसके अलावा मैं अगर बात करूँ, हमें 3000 लीटर का नीचे अंडरग्राउंड टैंक मिल जाएगा। और उसके अलावा जो टाइल्स का वर्क देखें तो टॉप रूफ तक वॉल टू वॉल हमारी टाइल्स रहने वाली हैं, बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ, बढ़िया टाइल कॉम्बिनेशन के साथ हमारी जो कोठी है। अगर मैं एंट्री की बात करूं तो एंट्री पे आता है जी अपना ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। इसमें जो हमने विंडोज़ यूज़ की है, सारी UPVC विंडोज़ भी टफ एंड ग्लास के साथ सारी घर में हमने यूज़ की ही हैं। इस साइड आती है जी अपनी LED पैनल का डिज़ाइन देखें तो बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ हमें अच्छी स्पेस के साथ LED पैनल का डिज़ाइन मिल रहा है। यहाँ पे हम क्रोकरी का सामान, मतलब कि काफ़ी हमें स्टोरेज अच्छी मिल रही है। इस साइड भी हमें जो है या डेकोरेशन का सामान है, यहाँ पे कुछ भी हम स्टोर कर सकते हैं। बाकी आप अगर मैं गेट की बात करूँ तो 8 फीट के सारी हाइट के डोर रहने वाले हैं, बहुत ही वुडन की क्वालिटी के साथ। अगर आपको कैमरे में नहीं पता चल पा रहा तो ये यहाँ पे हमें जो है बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग के साथ शाइनिंग हमें जो है वुडन के डोर मिल रहे हैं। उसके अलावा इस साइड आती है जी अपनी मॉडुलर किचन आप देख सकते हैं कि यू शेप में हमारी किचन रहने वाली। इस साइड से हमारी बाहर की एंट्री होगी। जितनी सारी क्वालिटी है सारी जैगवार की मूवेबल टैप्स रहने वाली हैं सारी। नीचे अपना साउंड प्रूफ सिंक आ गया। बाकी ग्रेनाइट डिज़ाइन के साथ हमारी जो है बहुत ही बढ़िया अच्छी खासी स्पेस के साथ हमारी जो है घर रहने वाला है। उसके अलावा आप डाउनफॉल सीलिंग का डिज़ाइन देखें तो एज इट इज़ हमारी डाउनफॉल सीलिंग मिलने वाली है। इसका जो डिज़ाइन रखा गया वो हमने थोड़ा सा डिफरेंट रखा गया। और ये कोठी जो है ये दो साइड ओपन रहने वाली है तो दोनों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी है, क्योंकि हमें जो पीछे रोड मिल रही है, हमें रेवेन्यू रोड मिल रही है, जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रोड होती है उससे हमारी जो मेन रोड के साथ कनेक्ट होती है। तो पीछे से भी हमें अपनी जो घर की है उसकी कनेक्टिविटी मिल रही है। पीछे से भी हम डोर निकाला हुआ ऑलरेडी, तो दोनों साइड से बोथ साइड ओपन ये कोठी रहने वाली है। उसके अलावा दोनों साइड से अपनी कनेक्टिविटी है पिछले रूम की, और सारी UPVC की विंडोज़ हमें मिल जाएंगी। ये हमें पहले जो है मैश डोर आ जाएगा, उसके अलावा फिर हमारा जो है UPVC विद टफ एंड ग्लास का स्लाइडिंग डोर मिल जाएगा हमें, जिससे हमें स्टोरेज भी एक्स्ट्रा मिलती है। साथ में आता है जी अटैच वॉशरूम। अटैच वॉशरूम का आप साइज़ देखें, हमने 2x4 की ग्रे कॉम्बिनेशन में हमने टाइल्स यूज़ करी हैं। सारी जैगवार की भी फ्रेंडिंग बाथ फिटिंग्स रहेंगी। वैनिटी हमें इंक्लूडिंग मिल रही है घर में। और उसके अलावा यहाँ पे हमें मिल रहे हैं जी फुल स्लाइडिंग डोर्स। आप देखें स्टोरेज अच्छी खासी हमें स्टोरेज मिल रही है, और बहुत ही बढ़िया डिज़ाइन के साथ मिल रहे हैं, क्योंकि ये फुल वॉल आते हैं और है एकदम प्लेन, तो जिसमें कि जो डिज़ाइन है वो एक यूनिक और थोड़ा जेन्युइन डिज़ाइन देखने को लगता है। बाकी LED पैनल भी हमें मिल रहा है। अब डोर्स की मैंने क्वालिटी बताई, बहुत ही बढ़िया देखने में ये डोर्स की क्वालिटी लगती है। इसके साथ ही आते हैं जी अपना सेकंड बेडरूम। हम जो है वॉलपेपर हैं चारों रूम्स और दोनों ड्राइंग रूम में हम वॉलपेपर इंक्लूडिंग दे रहे हैं, जो हमें टेक्सचर वॉलपेपर मिल रहा है। और उसके अलावा इस साइड आते हैं जी अपने कपबोर्ड्स का आप डिज़ाइन देखें तो हमने बढ़िया जो है कपबोर्ड्स का डिज़ाइन रखा गया है। साथ में हमने जो है यहाँ पे हैंगर ट्रिप भी दिया हुआ है। नीचे हमें बहुत ही बढ़िया स्पेस के साथ हमें जो है कपबोर्ड्स मिलने वाली, मतलब अच्छी खासी स्पेस के साथ हमारे जो कैबिनेट्स रहने वाले हैं। और इसका जो कॉम्बिनेशन है मुझे देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, तो आपको भी बताएं कि आपको ये कॉम्बिनेशन कैसा लगा अपनी वुडन और वाइट का। तो सेम एज इट इज़ हमारा जो है LED पैनल रहने वाला है, और LED पैनल के साथ सेम ही हमने डिज़ाइन के अपनी जो कलर सेलेक्ट स्कीम के साथ हमने अटैच वॉशरूम दे दिया, जो जिसका कि अपना सारा जो है डिज़ाइन के साथ हमारा वॉशरूम रहने वाला। और दोनों तरफ से हमारी कनेक्टिविटी है, AC की डैपिंग सारी हो चुकी है। आपको किसी भी तरह की इसमें घर में हमने इतना तक की जो हैंगर होते हैं अपने पर्दों के लिए वो भी ऑलरेडी हमने लगा रखी है।
तो बहुत ही बढ़िया जी, हमारा घर रहने वाला 4 BHK कोकी विद मोंटी और 2 साइड ओपन। तो हम आपको ऊपर चल के दिखाते हैं जी कि ऊपर से हमारा घर कैसा दिखता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपनी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसका जो डिज़ाइन हमें डिफरेंट मिल रहा है क्योंकि ये स्टेयर्स भी साथ में ही चढ़ रही हैं। उसके अलावा आप डिज़ाइन देखें तो देखने में ग्रेनाइट का वर्क जो है वो बहुत ही बढ़िया लगता है। हमारी सेपरेट हमें बालकनी मिल जाती है, और सेपरेट बालकनी के अलावा मैं बात करूँ तो ऊपर भी हमें जो है एज इट इज़ बालकनी देखने को मिल जाती है जो बाहर की तरफ है। तो इसका जो डिज़ाइन है कुछ अलग दिया गया हमने, और उसके अलावा थोड़ा यूनिक डिज़ाइन के साथ हमें अलग कॉम्बिनेशन के साथ हमें जो कोठी रहने वाली है वो भी 2 साइड ओपन और बहुत ही बढ़िया प्राइस रेंज में और प्राइम लोकेशन में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन रहने वाली है। 200 मीटर पर हमारी यहाँ पे 200 फिट रोड रहने वाली है, एयरपोर्ट रोड। तो सेम एज इट इज़ हमें पोर्शन मिल जाएगा कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ, बट जो जो स्पेस है वो फुली कवर्ड है। हमें ऊपर जो 4 BHK कोठी मिल रही है जो पूरी कवर्ड ऊपर हुई हुई हो, इसमें जो सेम हमें LED पैनल मिल गया, अपनी वॉलपेपर मिल गया, डाउनफॉल सीलिंग का डिज़ाइन मिल गया, इस साइड बड़ी सारी विंडो मिल गई। बाकी मैं बात करूँ तो सारे गली में वेल डेवलप्ड एरिया, सारी गली में घर बने हुए हैं, बहुत ही बढ़िया देखने में लगते, आपने स्टार्टिंग में देखा ही होगा। तो इस साइड आती है जी अपनी मॉडुलर किचन। मॉडुलर किचन आप साइज़ देखिए, हमने यहाँ पे एल शेप में किचन दी है, साउंड प्रूफ सिंक आ गई। इस साइड हमने कुछ पेंट्री की स्टोरेज भी दी गई है, अच्छी खासी स्टोरेज के साथ, अच्छे खासे अपने कलर कॉम्बिनेशन के साथ हमारी ये जो किचन रहने वाली है। मैं बात करूँ वेंटिलेशन की तो आप देख सकते हैं बिना लाइट्स के भी यहाँ पे प्योर हमें नेचुरल लाइट मिल रही है। तो ये हमारी कोठियाँ 2 साइड ओपन रहने वाली है, और बहुत ही बढ़िया हमने यहाँ पे विंडोज जो है वो प्रोवाइड की हैं, वो भी UPVC विंडो के साथ। बैक साइड भी हमें वॉशिंग एरिया मिल रहा है, बालकनी मिल रही है। सेम एज इट इज़ हमें इस साइड देखे तो हमने यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज दी है, अपने फुल वॉल वार्डरोब्स हो गए स्लाइडिंग डोर के साथ। इस साइड भी LED पैनल में कुछ स्टोरेज दी गई है, और साथ में हमने जो प्रोविज़न रखा है UPVC टफ एंड ग्लास विंडो के साथ बैक साइड बालकनी का, क्योंकि बैक साइड पे भी हमारा जो है रास्ता रहने वाला। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर वेंटिलेशन 2 साइड ओपन जो है कोठी रहने वाली है। बाकी आप वॉशरूम की जो टाइल्स कॉम्बिनेशन देखें, 2x4 की हमने टाइल्स कॉम्बिनेशन के साथ किया गया। बाकी सेम एज इट इज़ जो पोर्शन, बाकी जो लेआउट है वो सेम एज इट इज़ रहने वाला, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ। तो इस साइड हमने आता है जी अपना फोर्थ बेडरूम में सेम एज इट इज़ टेक्सचर वॉलपेपर हो गया, डाउनफॉल सीलिंग होगी, और फुल वॉल अपने वार्डरोब्स हो गए। इस साइड अपना LED पैनल, और साथ में आता है जी अटैच वॉशरूम। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कोठी कैसी लगी और इस कोठी में क्या आपको अच्छा लगा। कमेंट आप जरूर करिए जी। आप कोई भी हमारी काम अच्छा लगता है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड आपकी क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट करा करिए, जिससे हमें पता चल जाता है कि हाँ जी हम ये चीज़ें कर सकते हैं और ये चीज़ें हमें करने वाली हैं। तो उसके अलावा आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में शो हो रहा होगा, आप मुझे बिल्कुल बेफिक्र होकर एज इट इज़ अगर आप अभी भी वीडियो देख रहे हैं तो अभी भी आपके मन में कोई भी ख्याल है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, लोकेशन कैसे है, प्राइस कितना, तो बहुत ही बढ़िया प्राइस में ये कोठी रहने वाली है, तो अभी मेरा जो नंबर शो हो रहा होगा डिस्क्रिप्शन में उसे उनसे कॉल करके मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको अवेलेबल होता हूँ, मैं विज़िट ही करवाता हूँ, तो हम मिलेंगे, मेरी टीम भी साथ में आपको मिलेगी। तो उसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।